के इसका रिएक्शन लेंगे, लेकिन इस बीच बड़ी खबर दर्शकों को बता देते हैं। झुंझुनू से बड़ी खबर आपको बता दें कि बीजेपी प्रत्याशी की सुरक्षा कर्मी से बहस हो गई है। पहचान पत्र मांगने को लेकर यह बहस हुई है, सुरक्षा कर्मी ने पहचान पत्र मांगा और उसके बाद बहस। तो ग्रामीणों ने मतदान केंद्र के बाहर बताया जा रहा है कि नारेबाजी भी की है। बीजेपी प्रत्याशी शुभकरण चौधरी कुछ देर रुकने के बाद रवाना हो गए और एक तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं जहां पर झड़प होती हुई नजर आई है सुरक्षा कर्मियों से। हालांकि उस दौरान किस तरीके की परिस्थितियां रही थी वो जैसे ही जानकारी मिलेगी वो भी आप तक पहुंचाएंगे। लेकिन अभी की बड़ी खबर ये कि विधानसभा के टोड़ी गांव के बूथ संख्या 89 का ये मामला बताया जा रहा है जहां पर ये घटना सामने निकलकर आ पाई है। तो बताया जा रहा है कि सुरक्षा कर्मी से पहचान पत्र मांगने पर बहस हुई है। सुरक्षा कर्मी ने बताया जा रहा है कि पहचान पत्र मांगा, जिसके बाद ग्रामीणों ने मतदान के बाहर जमकर नारेबाजी की। बीजेपी प्रत्याशी शुभकरण चौधरी कुछ देर रुकने के बाद रवाना हो। तो आपको बता दें कि यहां पर सुरक्षा कर्मी ने पहचान पत्र मांगी कि दिखाइए कौन है आप, मतदान कर सकते हैं नहीं कर सकते हैं, वोटिंग लिस्ट में आपका नाम है कि नहीं है, सही है या नहीं सही है, इसको लेकर गुस्सा हो गए और इसको लेकर वहां पर झड़प हुई भी। फिलहाल वहां पर शुक्रन चौधरी मौजूद थे, थोड़ी देर में वो रवाना भी हो गए। बूथ विधानसभा के टोडी गांव की बूथ संख्या 89 की ये तस्वीरें हैं। पूर्व कांग्रेस नेता संजय निरुपम ने लोगों से बीजेपी को वोट देने की अपील की है और संजय निरुपम ने कहा कि कांग्रेस अब कुछ नहीं कर सकती है, देश का विकास बीजेपी ही कर सकती है। तीसरी बार मोदी जी प्रधानमंत्री बनेंगे और देश में विकास की रफ्तार और ज्यादा तेज होगी। संजय निरुपम ने लोगों से अपील की है, बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। संजय निरुपम बीजेपी को वोट दें ये बात कही है और कहा है कि अगर कोई विकास कर सकता है देश का, देश में विकास की रफ्तार अगर दौड़ेगी तो वो सिर्फ बीजेपी के द्वारा ही दौड़ेगी। अब सोचिए कांग्रेस से निकलकर संजय निरुपम ने बीजेपी को वोट देने की बात कही है। देश के रफ्तार और विकसित भारत तो वैसे भी बीजेपी का नारा है और देश में विकास की रफ्तार अगर उसकी कोई गाड़ी खींच सकता है, तेजी से दौड़ा सकता है, तो वो सिर्फ और सिर्फ बीजेपी है। अब ये हो रहा है कांग्रेस में और कांग्रेस बिल्कुल कॉन्फिडेंट नजर आ रही है कि नहीं इस बार तो हम हैट्रिक मारेंगे, चाहे राजस्थान हो या फिर देश की बात हो, क्योंकि आज 21 राज्यों की 102 सीटों पर मतदान हो रहा है, 1625 प्रत्याशी इस बार चुनावी मैदान में है। लेकिन संजय निरुपम का ये बयान बहुत कुछ बताता है, बहुत ज्यादा। पहले फेज का मतदान आज हो रहा है और इस मौके पर मैं थैंक यू सर कि आप अपना वोट भारतीय जनता पार्टी और उसके सहयोगी दलों को अवश्य दें। क्यों? उसके दो कारण हैं। पहला कारण तो कांग्रेस पार्टी को वोट देकर अपना वोट बर्बाद न करें, क्योंकि कांग्रेस पार्टी अब एक मुंबई की हेरिटेज बिल्डिंग की तरह रह गई है, ये रहने लायक नहीं है। कुछ पुराने तके हारे जो नेता है वो टेका देके बिल्डिंग संभाले हुए हैं, तो ये बिल्डिंग संभाल कर रख सकते हैं लेकिन ये देश के हालात नहीं बदल सकते, क्योंकि ये अपने ही हालात नहीं बदल पाए। कुछ कांग्रेस के हमारे साथी मुझसे नाराज हैं कि मैं कांग्रेस के खिलाफ क्यों बोल रहा हूं। मैं उनको कहना चाहूंगा कि एक लंबे समय तक काम करने के बाद मुझे अनुभव हुआ कि अब इस कांग्रेस पार्टी का कोई भविष्य नहीं है। हमारे जितने साथी वहां हैं वो भी अपना भविष्य बनाने के लिए जितना जल्दी हो कांग्रेस छोड़ करने के लिए, और मतदाताओं से अपील करूंगा कि अपना वोट व्यर्थ न करें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार तीसरी बार आ रही है और ये सरकार आने वाले दिनों में हिंदुस्तान को एक नया रूप नए रंग के साथ। तो संजय निरुपम को आप सुन रहे थे और खबरों में आगे बढ़ते बताते चले कि पहले चरण में प्रदेश की 12 लोकसभा सीटों पर मतदान जारी है। जयपुर में पीसीसी वॉर रूम से प्रदेश भर में मतदान पर निगरानी भी की जा रही है। तो लोकल जानकारी से लेकर आला कमान तक हालातों की जानकारी दी जा रही है। पहले चरण का मतदान जारी है, जिस तरह से लगातार जो घड़ी का कांटा है वो आगे बढ़ता जा रहा है, उसी तरीके से सियासी जमातों के दिल की धड़कन बढ़ती जा रही है। राजस्थान में वोटिंग हो चुकी है, कांग्रेस के वॉर रूम में हम मौजूद हैं। यहाँ पर जो कांग्रेस की टीम है वो लगातार एक विशेष कंट्रोल रूम बना करके संवाद कायम किए हुए है। हर लोकसभा पर विधानसभा वार बाकायदा बातचीत की जा रही है। क्या क्या स्थिति है आपके पास में, कौन कौन सी लोकसभा है? वैसे तो आप पूरी 12 देख रहे हैं, लेकिन जो जयपुर ग्रामीण और आसपास के इलाकों की बात करें तो क्या स्थिति है, किस तरह का टर्नआउट है, क्या लगता है कितना हक में आपके मत पड़ रहे हैं?
देखिए अगर हम बात करें तो टोटल परसेंटेज अभी तक 33% के आसपास एक बजे तक का जो टर्नआउट हुआ है, और उसमें जयपुर की अगर बात करें, जयपुर की जो लोकल सीट है यहाँ की, तो 40% के आसपास का टर्नआउट रहा है। रूरल में भी 32% के आसपास का टर्नआउट रहा है। यहाँ से हमारे दोनों कैंडिडेट बहुत अच्छी स्थिति में है, और अब चूंकि इस टाइम तक वोटर टर्नआउट कम है तो मुझे लगता है कि एग्जिस्टिंग सरकार की नीतियों से लोग संतुष्ट नहीं है, इसलिए वो वोट करने घरों से बाहर नहीं आ रहे हैं। तो मैं तो यही मानूंगी कि ये जो वोट परसेंटेज है वो हमारे हक में जा रहा है। जब सीकर की बात करते हैं तो सीकर के अंदर भी कमोबेश जो है हमारा परसेंटेज इतना ही चल रहा है, और इसके अंदर देखते हैं कि जहां कांग्रेस का विधायक है वहां परसेंटेज ज्यादा है, बीजेपी का विधायक है वहां कम हो रहा है। तो इसका मतलब सरकार की योजनाओं से लोग संतुष्ट नहीं है, कांग्रेस की गारंटियों पर विश्वास कर रहे हैं। कांग्रेस के जो विपक्ष में आने के बाद भी जो एक कांग्रेस का वर्करों से जुड़ाव है ना, उस जुड़ाव को लोग महसूस कर रहे हैं। कांग्रेस की सरकार जो राहत भरी सरकार थी आज, और पल पल की जानकारी आपको देते रहेंगे, लेकिन यहां रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द लौटेंगे।